एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो ECS स्वीडन T10 का आज के दिन का यहाँ पर पहला मुकाबला होगा, जो खेला जाएगा स्टॉकहोल्म सीसी वर्सेस क्रिस्टियाना दाद सीसी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको फुल एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो जो है वो अच्छे से वॉच करना है। और उससे भी ज़रूरी काम, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इनका ऑफिशियल बेटिंग ऑर्डर और उसके अलावा फाइनल टीम मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आएगा ना, ऊपर ही ऊपर टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोनों जगह से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। जैसे अगर आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल को, तो आपको वीडियो के टाइटल में जाना है सिंपली। वहाँ पर आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, जहाँ पर आपको ब्लू कलर का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पर जैसे ही टैप करोगे तो जो सबसे पहला कमेंट आएगा ऊपर ही ऊपर, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, उससे मोटिवेशन बना रहता है। बात कर लेते हैं मैच के बारे में। मैच स्टार्ट होगा दोपहर में 2:30 बजे, मार्शा क्रिकेट क्लब स्टॉकहोल्म में खेला जाएगा। आर्टिफिशियल विकेट है तो पिच के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं होगा। एवरेज इसको 100 से 130 के बीच में बनेगा। 40 मैचेस यहां पर हो चुके हैं, 24 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 15 में चेज हुआ है और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। पहले बात करेंगे स्टॉकहोल्म की टीम की, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। लास्ट के 6 में से कोई मुकाबला नहीं आ रही और इनकी टीम ना भाई एक्सपेरिमेंट कर सकती है। ध्यान रखना T10 में आपको सिर्फ ग्रैंड लीग खेलनी है या फिर स्मॉल लीग खेलनी भी है तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ ये चीज़, बाद में आप ब्लॉस के बाद में करो तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। पहले अभिषेक माथुर ने ओपन किया कौशिक वत्स के साथ लास्ट मैच में। अब अभिषेक माथुर जो है ना, ज़्यादातर मैच में ओपन ही करता है, उसी के साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लाता है। विकेट एक है, बल्ले से 20-10-48 नॉट आउट, 48-16-27 है। लेकिन जो कौशिक वत्स है ना, इसने सिर्फ लास्ट मैच में ओपन किया है, उसके पहले नीचे ही खेल रहा था, क्योंकि ओपन कौन कर रहा था, विनोद चलिंद्रा, जिसको लास्ट मैच में बैटिंग ही नहीं दी। तो ये एक्सपेरिमेंट के मैं आपको शाइन बता रहा हूँ कि कितने खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। देखो कौशिक वत्स के नाम 14-19-17 हैं, अगर ओपनर के रूप में मेंशन रहता है तो रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना। अश्विन अमलराज ज़्यादातर नंबर 5 पे बैटिंग करता है, लेकिन लास्ट मैच में वन डाउन आया था, बल्ले से 3-12 नॉट आउट, 9 बैटिंग, 35-13-25 नॉट आउट है। अर्चना वेद्या बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लास्ट के 6 मैचेस में टोटल इसके नाम 8 विकेट और बल्ले से 28-4-11-5-17-19 नॉट आउट है। विनोद चलिंद्रा ओपनिंग अगर करता है तो इससे बेस्ट प्लेयर नहीं है बैटिंग के हिसाब से, 34-6-54 नॉट आउट, 31-0-9 बैटिंग है। तो ओपन करता है तो बिल्कुल इसको टीम में रख लेना है। पंकज कोल, अब देखो एक्सपेरिमेंट आपको एक और दिखाऊं कि इस बंदे ने पहले 4 मैच में निकाले थे 5 विकेट और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ ना वहाँ पर इसको बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो समझ रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मनोज तोमर 1-0 विकेट, फिर 7-29-6-15 है, 9 बैटिंग है। इसका मेन काम जो है ना वो बॉलिंग का है, लेकिन इस सीज़न इसको सिर्फ एक मैच में बॉलिंग मिली है। ग्रैंड लीग में चाहो तो रख लेना किसी टीम में, अदरवाइज छोड़ देना। दीप जगन सिंह है 5 मैचेस में 6 विकेट, अच्छा बॉलर है। राकेश कुमार ने 2 मैच में 1 ओवर डाला है, उसमें 1 विकेट है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अविनाश उपाध्याय पावर प्ले का बॉलर है, पहला और तीसरा ओवर डालने वाला, 2 विकेट है। और जोशुआ कंपाती के नाम यहाँ पर 4 मैचेस में टोटल 6 विकेट्स हैं। तो यहाँ से आप टीम में अभी के लिए रखूँगा मैं अभिषेक माथुर, अर्चना, यहाँ पर जो प्लेयर है ना ये दोनों, कौशिक वत्स और अश्विन अमराज, दोनों को नहीं रख रहा मैं अभी के लिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिंद्रा ओपन करेंगे तो इनको रखूँगा, अर्चना वेद्या को रखूँगा, नीचे से पंकज कोल बहुत अच्छा बॉलर है इसको भी रखूँगा, दीप जगन सिंह को रखूँगा, अविनाश उपाध्याय और जोशुआ कुंपाती को रखूँगा। बाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर इनमें से किसी को चांस मिल जाता है तो उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे अविनाश उपाध्याय, दीप जगन सिंह, डेथ में आएंगे अभिषेक माथुर, जेक कुंपाती, अर्चना वेद्या। सामने जो टीम है KRS की टीम, इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था कल और इनकी तरफ से ओपन किया था ईशानुल्ला वफा और नयज़ वली साहिल। मैंने आपको बोला भी था ईशानुल्ला वफा बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, 21 रन 1 विकेट था इसके नाम पहले मैच में। और मैंने क्यों बोला था अच्छा ऑलराउंडर है, क्योंकि आप ECS T10 का रिकॉर्ड देखो, 6 मैच 145, 4 विकेट है, 12 ओवर डाल के। नयज़ वली साहिल है, पहले मैच में 10 ही रन कर पाया था, 5 T10 में इसके नाम मात्र 8 रन है ECS T10 में, और क्लब T10 में भी 9 मैच में 111 रन, 18 का एवरेज, 2 विकेट है। फरीद नाजिर, इसने वन डाउन बैटिंग की 7 रन किए थे लेकिन इसने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई थी। क्लब T10 में 14 मैच में 104, 1 विकेट है, लेकिन बॉलिंग नहीं करवाई थी।
नईमतुल्ला मुसले हैं, 3 रन किए थे इसके नाम, 6 T10 में 60 रन और 12 का एवरेज है। ये भी उतनी खास बैटिंग नहीं कर पाया। फराज शाह 2 रन किए, 2 ओवर पूरे डाले, हालांकि विकेट लेस था, लेकिन आज के दिन ट्रंप रहेगा क्योंकि अच्छा बॉलर है। 2 क्लब T10 के मुकाबलों में 13 रन, 3 विकेट, 4 ओवर डाल के। अकमल पोपल ने यहाँ पर 0 रन किया था, इससे पहले 4 T10 में 41 रन, 13 का एवरेज है। फिर यहाँ से समीउल्ला गुजेर हैं, इसने 2 रन किए थे, बॉलिंग इसने बिल्कुल नहीं करवाई थी, और अगर ये बॉलिंग नहीं करवा रहा है और बैटिंग कर रहा है नंबर 7 पर तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 T10 में 46 रन, 1 विकेट है, 3 ओवर डाल के। नोमन जहीर 8 रन, 1 विकेट था, ये 2 ओवर डालने वाला बॉलर है। क्लब T10 में 7 मैच में 5 विकेट है। हफीजुल्ला सिनवारी 9 रन, 1 विकेट इसके नाम था, और इसका भी मैंने बोला था 2 ओवर डालने वाला बॉलर है। 6 में 27 रन, 5 विकेट, 11 ओवर है। साजिद खान ने 1 ओवर डाला, विकेट लेस था। अब देखो ECS T10 के तो 1 मैच में 0 रन है, लेकिन क्लब T10 के 8 मैच में 44 रन, 1 विकेट है। फरीदुल्ला खवरी हैं, 1 ओवर डाला, 1 विकेट था, 6 T10 में 3 विकेट है, जबकि क्लब T10 में 10 मैच में 3 विकेट है। मतलब बॉलिंग इसको मिलती है लेकिन कम ओवर मिलते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से प्लेयर रखूँगा ईसानुल्ला वफा, फराज सहाक, इनके अलावा नोमन जहीर और हफीजुल्ला सिनवारी। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे फराज शाह, एच सिनवारी, आई वफा, और डेथ में आएंगे एन जहीर, आई वफा, एस सिनवारी। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में आप देख सकते हो अभी के लिए मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से ए माथुर को रखा है, वी चलिंद्रा को रखा है, ए वेद्या को रखा है, जे कुंपाती को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से फराज शाह, आई वफा को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से एस सिनवारी, दीप जगन सिंह, अविनाश उपाध्याय, एन जहीर और पी कोल को रखा है। कैप्टन मेरे ए वेद्या, वॉइस कैप्टन आई वफा। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम देखो, फाइनल टीम और ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर दिया हुआ है, तो दोनों जगह से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता भी दिया है। थैंक यू।